तो है आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक वैलहैला डीएलसी के पार्ट नंबर 6 के अंदर। तो यार इस वीडियो के अंदर अब हम कंटिन्यू करने स्टार्ट करने वाले हैं 6th लूप को। वैसे अगर देखा जाए फर्स्ट लूप के अंदर पहली बार वैलहैला में गए थे लेकिन जल्दी मर गए थे। दूसरे लूप के अंदर हम असेंडिंग सैंड से हमने इंटरेक्ट किया था लेकिन वापस आ गए थे। थर्ड लूप के अंदर हमने बेसिकली सेक्रीफाइस का शुरू किया था लेकिन वापस आ गए थे। फोर्थ लूप के अंदर हम टीयर तक पहुंचे थे। फिफ्थ लूप में आप दोबारा से टीयर पे पहुंचे हैं और सिक्स लूप में हमें दोबारा से टीयर पे पहुंचना है। ठीक है तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि हमें बेसिकली कोई भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, रेलिक्स के ऊपर। रेलिक्स से रिलेटेड कोई भी हमारी क्वेस्ट वगैरह नहीं है, बस एक रेलिक्स अनलॉक करने है लेकिन उनको इस्तेमाल करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। उसके अलावा जो एक स्टोन वॉल शील्ड के ऊपर बेसिकली मैंने देखा था एग्जैक्टली करना क्या है, ओके ये है। तो स्टोन वॉल शील्ड हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी इस वाले में अगर हमें थोड़ी बहुत क्वेस्ट पूरी करनी है। और लेगेसी नहीं, रैथ, रैथ हमें करनी है इस बार इस्तेमाल। ठीक है चलते हैं और शुरू करते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, स्पीड से सारा काम करेंगे। आ जाओ ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। Since we keep going back in, I take it this process is working for you somehow. Yes. Succeed or fail, I feel progress, clarity. I need to see it through. Very good, brother. चलते आगे और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मेन फोकस यहाँ पे ओके सो जैसा मैंने अगर सही सोचा है, अब हमें बेसिकली बर्न रेजिस्टेंस वगैरह मिलेगी स्पीयर का इस्तेमाल करने से। आगे बढ़ते हैं, पर्क और रून। ठीक है सो यहाँ पे हमें ये लेना पड़ेगा आई थिंक, जी हाँ। और एक यहाँ पे रखते हैं पर्क का इस्तेमाल। सो रेजिंग फ्यूरी और ब्लेस्ड आर्मामेंट्स, ये रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इस बार स्पीयर पे फोकस करने की सोच रहा हूँ। An infamous act, one they still spoke of in the years of rebuilding. I somehow doubted they meant it so literally. I'll give you this, brother. Your technique has improved immeasurably. I needed his power to secure my vengeance against the gods. I believed I had no choice. No choice? You could have not ripped my head off my body. That was absolutely an option. And he's back. But that wasn't the worst of it, was it, Kratos? Killing me deprived Greece of the sun. They were plunged into perpetual cold and darkness. Crops ceased to grow. Famine descended on our homeland. Not that you cared. Enough. He is better, isn't he? ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके ये स्वॉर्ड कहते हैं बेसिकली इसको। I'm curious. Your decision to behead Helios, was it fueled by any personal motivation, or was it really just a means to an end? It was not personal. I did know him long before I killed him. He was as insufferable as any god. But his death brought me no satisfaction. Did you know what would happen as a result? When Helios was captured by the god of dreams, the lands fell into darkness and were not restored until his return. I knew exactly what would happen. ठीक है आगे बढ़ते हैं। Huh.
अब यहाँ पे है स्टैट्स और देखना पड़ेगा। नहीं यहाँ और कुछ नहीं है। और यहाँ पे है रून। मैं रून पे ज़्यादा फोकस करने की सोच रहा हूँ, लेकिन एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास जो है, सॉरी मास्टरी के अंदर कौन से गेट्स हैं जो वो मुझे देखने हैं यहाँ पे। मिक्स्ड ऑफ पर्क, ठीक है। Even a short-term advantage could pay off. लक की हमें फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, हीलियोस्फीयर के लिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा नहीं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए रूम्स पे। चलो आओ। On your left. Behind your brother. ऐसे कैसे? आ जा, बाय बाय। आ जा, अरे भाई ठीक है। ये क्या और ये क्या? ठीक है, उसके अलावा एक बार चेक कर लूँ कि पर्टिकुलर यहाँ पे हमें कौन सी चाहिए मास्टरी के अंदर। सो यहाँ पे मुझे अडेप्टेबिलिटी में जाना है और हम इस टाइम पे ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन से है? हेडीज, रेट्रीब्यूशन, नीमियन क्रश, ट्राटर्स रेज, मीटियोरिक स्लैम। मीटियोरिक स्लैम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके चेक करते हैं एग्जैक्टली हमें कोई बेनिफिट है कि नहीं। But before you first found your way to me, you were grappling with the symbolism of your former seat of power. May I offer a perspective? You may. Before I became God of War, I felt as hesitant as you do. I feared that taking the throne would only validate Odin's power hierarchy, which even then I didn't trust. But I decided I could wield a better influence on the inside than on the outside. There are many ways to lead. Not all of them involve ruling. The throne and the office are only what you can. यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली कुछ मिल रहा है बेनिफिट। ओके सो ये डिफेंस रिलेटेड है, डिफेंस हमें चाहिए। और यहाँ पे एज सच कुछ और है नहीं। उसके अलावा देखा जाए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ इस गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम सीधा आगे बढ़ सकते हैं, और मैं सीधा आगे बढ़ना चाहूँगा। आ जाओ ठीक है। पहले एक पे फोकस करते हैं। ये क्या? आजा आजा। देखा जाए डार्क एल्फ और लाइट एल्फ दोनों एक साथ हैं। ये कॉम्बिनेशन जनरली देखने को मिलता नहीं है। कहाँ है? क्या हम यहाँ कहीं कुछ कर सकते हैं? ऊपर जाके देखते हैं। ये रहा। ये क्या? Watch your right.
कोई बात नहीं। अरे यार मैं टक गया हूँ। आ जाओ बाय फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। आ जाओ और ये क्या? बाय बाय। आगे बढ़ते हैं। यहां थोड़ी मुझे हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है। यहां इस्तेमाल किया जा सकता था। ओके हल्की सी हेल्थ रिकवर हुई हमारी। काश हेल्थ मिल जाए यार। नहीं मिली। ठीक है ये काम आएगा हमारे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Ready to move to the next space, brother. Should be clear. इसको अनलॉक करते हैं। और यहाँ क्या है? ये तो पूरा का पूरा अलग ही एरिया दिख रहा है मुझे। ठीक है ये अपीयरेंस है क्या? ओ हुल्ड्रास प्रोजेक्ट हमने अनलॉक कर लिया। ओ वहां पे है एक, उसको लेते हैं। ठीक है मतलब अनलॉक होंगे, हर बार नहीं बीच बीच में होंगे ऐसा कुछ है शायद। स्ट्रेंथ और कुछ जो यहाँ पे काम का है। वहां पे एक चेस्ट है, जितना हो सकता है उतना बेनिफिट लेंगे हम। चलो ऊपर इस साइड एक बार चेक कर लेते हैं। ये नहीं हुआ तो लगता है शायद से सिर्फ गोल्डन चेस्ट ही अनलॉक होंगी ऐसा लग रहा है देख के मुझे, लेकिन एक बार हल्का सा कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। चलते ऊपर। और इसको देखते हैं। अब यहां पे मुझे हेल्थ की जरूरत है। उसके अलावा यहां पे कूल डाउन ब्लेसिंग और हीलियस फ्लेयर और इनको अनलॉक करने का चांस। कूल डाउन काम आएगा। चलो हेल्थ अब हमारी काफी मैनेजेबल हो चुकी है देखा जाए तो। चलते नीचे और प्रूविंग ग्राउंड्स पे वाट लगाते हैं बंदे की। ओ भाई मॉडी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा भाई साहब। ये मुश्किल है थोड़ी सी फाइट। आ जाओ अब। कोई बात नहीं
ओके ध्यान से अब आ जा आ जा आ जा लगा दी बाट हमने इसकी चल 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 हरा दिया नाइस बच गए भाई साहब ठीक है सबसे पहले हेल्थ पे चलते हैं हमारे पास हेल्थ की रिक्वायरमेंट है हेल्थ देगा रेज देगा हेल्थ यस हेल्थ चाहिए हमें काफ़ी हेल्थ मिल गई हमें उसके अलावा मिक्स रून से पहले हम चलते हैं यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं रैलिक की हमें ज़रूरत नहीं है मास्टरी सील मिली हमें उसके अलावा इसके अंदर एक बार मैं चेक कर लूँ फिलहाल मुझे यहाँ पे मास्टरी के अंदर कौन कौन से वेपन्स पे फोकस करना है फॉग रोर टच बाइट रैथ रेज क्रश चार्ज भाई साहब किस्मत की बात है ओके सो वैनिर्स पॉइजन ओ ये काफी बड़ा बूस्ट है चलते आगे टीयर को हेलो कहना दोबारा से लेकिन इस बार फाइट थोड़ी मुश्किल होने वाली है फिर आ गया बंदा दिमाग खराब करता है बंदा And lest we forget, Kratos, lest we neglect to place your deed in full and proper context, I saved your life. Me! Hey. You literally tore off my head for my troubles. Imagine if all your friends knew how you used to treat your old friends. Of course, you're not the same man, right? Now you only get your friends killed through lack of foresight. Far easier to blame others that way. Am I right? I know you are a projection of mine. But for what it is worth, the death I gave you was unjust. Oh, how touching. Yeah, not actually worth the spittle it took to mumble that out. Do not do that again. Nobody wants to hear that from you. ठीक है, देखते हैं इसकी क्या justification है हीलियोस को मारने की. बेसिकली जो जो अभी तक क्रेटोस से गलत किया है वो उसको एक्सेप्ट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की पाथ पे है जर्नी पर है बेसिकली है ठीक है चलते आगे उम्मीद करता हूँ इस बार मैं आराम से कर लूँ पूरा का पूरा क्लियर एक बार भी टियर को हराने का काम यहाँ पे अभी एनिमीज वगैरह से लड़ाई भी करनी पड़ेगी जनरली पॉइजन एनिमीज होते अगर मैं सही हूँ तो ओ चेंज हो गया ये कुछ नया है ओके यहाँ कुछ नया चीज आई है क्या है A little something to remember by. I truly hope it brings you unrelenting torment. Chills you just a little when they do that, doesn't it? Feels like judgment. एग्जैक्टली से होगा क्या मुझे अभी तक पता नहीं चला है ओ ये दोनों अलग कलर्स के हैं हीलियोस शील्ड आई फाउंड अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम माय पास्ट इन वेलहेला अ शील्ड वंस ओन्ड बाय द सन गॉड हीलियोस इट इज ट्रैम्पल्ड एंड यूजलेस नाउ अ बेटर रिमाइंडर ऑफ माय रेकलेस एक्शंस इन द टाइम आई वाज ड्रिवन बाय ओनली बाय मिसगाइडेड एंकर उसके अलावा एक बार अगर मैं देखूं गोल्स के अंदर तो मुझे जाना है फोर्स के अंदर यहाँ पे मोदी
मोर डाई कहेंगे क्या कहेंगे? इट इज हार्ड टू सी एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडी एंड हिज सिस्टर थ्रूड. शी शेयर्स नन ऑफ हिज क्रुएल्टी नॉर हिज कावर्डाइस. आई नो यू स्टिल हैव मच गिल्ट ओवर हिज किलिंग एज डू आई फॉर माई रोल इन इट. लाइक हिज ब्रदर वेलहेला मैनिफेस्ट सेम फ्रॉम माई मेमोरी टू फाइट वंस अगेन. तो मतलब हम काफी बड़ी फाइट्स करने वाले हैं देखा जाए तो. आगे बढ़ते हैं. मैं ऐसे ही चेक कर रहा था इमोलेशन वैसे आ सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं. फिर से सॉन्ग शुरू हो गया. स्वॉर्ड पे देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या हम. ओके और ये है रिड्यूसेस स्टन डैमेज. बदले में क्या मिलेगा? कॉम्बो फिनिशर्स टू इंक्रीज डैमेज. यस ये अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है. और यहाँ पे बाय चांस कुछ मिल जाए उसके लिए एक बार देख लेते हैं आगे के लिए. ओह काफी काम आएगा रैम शिफ्ट्स. और उसके अलावा ये खर्च कर सकता हूँ मैं 500, देखते आगे के लिए. और बैरियर की मैंने लास्ट टाइम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, मैं भूल गया था कि इसके बाद हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इसको. सॉरी यहाँ चलना पड़े. तो इस वजह से मैंने करीब करीब 1000 खो दिए थे बेवकूफ़ी के वजह से अपने पॉइंट्स. चलते हैं इस बार इस साइड पे चलते हैं. ठीक है चलो. ये क्या कहां पर है? कोई नहीं आ जा. अब लगा दी वाट. अरे यार इट्स इन द ग्राउंड. ये क्या? चलो वाट लगा दी. अभी भी कोई है? ये क्या? और कोई? कहाँ छुपी हुई है सायरन? ये रहा. चल 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 मिनट और से भाई साहब पहले वाला नहीं कर रहे देखा जाए तो. आ जा. चलो चलो चलो. Oh.
बहुत ही क्लोज फाइट। अब क्लोज फाइट भाई, क्लोज फाइट। द क्रेटोस दैट ब्रॉट डाउन एटलस। ओके सो ब्लेसिंग ऑफ द हार्ट, नाइस, बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट हुई है हमारी। उसके अलावा फ्लीटिंग एकोस मल्टीप्लायर, ईच वाला स्टूडेंट लीन ग्रेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लीटिंग एरो स्किन। ओके आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली वापस जाना पड़ेगा क्या हमें? चलो वापस चलते हैं, इस बार साइड में चलते हैं। ये वाला आसान है, थोड़ा सा हम आसान पे रहेंगे क्योंकि भाई अभी टीआर से भी लड़ाई करनी है। बढ़िया, एक और गया। अब आ जाओ, चलो चलो चलो, ये क्या? ओके न्यू एरिना अवेलेबल, द एजियन बोट कैन बी फाउंड इन द ईस्ट विंग। आई सपोज वालहाला इज इंप्रेस्ड विद दैट। Breath of Thamur और Wrath of the Affliction, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो इन द ईस्ट विंग, देखते हैं एग्जैक्टली है क्या चीज वो। यहां से आगे सेट बढ़ते हैं, चलो उस साइड। That winged creature with a trident? Oh, रुको कोई और है। चलो पहले इस बड़े छोटे वाले को हराते हैं। अब पॉइजन रेजिस्टेंस, आ जा अब, आ जा आ जा आ जा आ जा, नाइस। अब बाट लगाएंगे, चलो आ जा। लगा दी बाट, एक बंदा और है अभी। Come on. पहले इस वाले को, अब बच गए। ओके सो नाइस, अगला जो होगा वो आगे होगा। फ्लीटिंग एकोस बढ़िया, एजिस बोर्ड मुझे चेक करनी पड़ेगी, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें पता है इसमें हमारी बाट लग जाएगी। हमारे पास अभी पॉसिबल नहीं है इसको हराना, बस की नहीं हमारे बेसिकली इसको हराना। हेल्थ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे,
वहाँ पे एक ग्लिफ ले लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा, फाइट करनी पड़ेगी लेकिन। ये क्या, आगे बढ़ते हैं। इमोलेशन हमारे पास इस टाइम पे है। ओके, विप्लैश और इमोलेशन, रैम शिफ्ट, रैम शिफ्ट बहुत काम आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम वापस आ गए इस साइड, नहीं इस साइड नहीं बिल्कुल भी, सॉरी। अरे यार इमोलेशन चला गया। कोई नहीं, इस साइड जाना चाहिए इस बार। कितना टाइम है हमारे पास, आधा घंटा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे हेल्थ ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाके कोशिश करते हैं इस बार। ये एक नया एरिया है। ये क्या, इस एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं हम? ओ वहां पे एक रून है। ठीक है, इमोलेशन हमने वापस गेन कर लिया है। ऑनर ऑफ द फॉलन, हैवी स्पीयर अटैक के काम आएगा आगे। इस साइड भाई मुझे रेड वाले नहीं चाहिए, रेड वाले वाट लगा देंगे हमारे। ओ ये क्या है, वहां पे एक है, इसको ले लेते हैं। आ जा, नाइस। कोई बात नहीं, मुझे पता था इस वाले को नहीं जीत पाएंगे हम। ये क्या, Watch from underneath. ये क्या, नहीं ये वाला, डिफेंस डिफेंस चाहिए हमें इस टाइम पे। नाइस, एक और करना है, अगर मुझे वो मिल जाए बेसिक वाला तो आसान रहेगा थोड़ा सा। ये एरिया पे शायद से हम पहली बार आए हैं। ये क्या देख रहे हो, अभी इस टाइम पे डैमेज इतना ज्यादा करना पड़ रहा है बेसिक एनिमीज पे भी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रैथ ऑफ अफ्लिक्शन और रेजिलिएंट मोमेंटम, हेल्थ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, बोरी हेल्थ। आगे बढ़ते हैं।
health. चलो इसको ही ले लेते हैं. How is this? A dragon bird. I hope it pecks you to death. आ जा. लगा दी बात. इनकमिंग डाइव. आ जाओ. चलो चलो. डन. ठीक है अब आगे स्काडीज एज और स्ट्रेंथ ये लेते हैं. नाइस आगे बढ़ते हैं. एग्जैक्टली यहाँ से जाना कैसे है मुझे ये नहीं पता. नहीं इसकी जरूरत नहीं है. शायद हम पहुँच गए. अच्छा ये एरिया अनलॉक हो गया देखा जाए तो. ठीक है ये सब करने से पहले मेरे पास कितनी है 4000. तो सबसे पहले इसको लेते हैं डिवाइन ट्रैम को. रुक जाओ. नहीं ये लो. और इसके अंदर मुझे चाहिए सबसे पहले रैलिक बाद में कर लेंगे. ये अगला कर लेते हैं. अब हम देखा जाए टीएस से लड़ाई करने वाले हैं तो उससे पहले मैं जितना हो सके उतना खर्च कर रहा हूँ सब कुछ. ओके ये काम आएगा. ठीक है तैयार हैं हम बाट लगाने के लिए. देखा जाए चार चेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे. ओके ये है अपने पास. वेपन्स चेक कर रहा हूँ मैं सारे. ठीक है आते ही बाट लगानी है. Oh, I'm back again. Still not used to that. The good Spartan returns. I have another cherished weapon from my travels to show you. Ready to see? Bhai saab samitars kehte hain isko kya kehte hain? Defend yourself. Up. Health, health, health. Straight flank. Let our battle clear your mind. Are you ready to win? Show me. चलो आजा 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 आजा. नाइस हेल्थ. टीआर की वाट लगानी है. बच गए. Arms up.
आ जाओ। चलो। Tell me, Kratos, truly, how did it feel to plunge your homeland into darkness? I did not intend the land to suffer, but I was indifferent, consumed only by rage and retribution. That is not what I asked. How did it feel in that moment, your soul given over to darkness, bringing a darkness over everything you could see? It felt true. कहां पर है? ओ समझ गया मैं। उसके बाद अच्छा भाई साहब डिफिकल्ट फाइट है काफी। हेल्थ। अब चलो हो गया। अब हो गया। I yield. Good then. I don't think you are indifferent, Kratos. I think you were hurt. Deeply hurt. And you handled it unskillfully. Wait, is that you restoring the sun? You took Helios's chariot and put the sun back in the sky, but sacrificed yourself in the process. Yes. I fell to my death and was saved by Helios. But this memory happened before I killed him. My evils were yet to come. What is the point? That your legacy has always been a complicated one. That goodness is not a destination we arrive at, but a practice. Misfortune may drive anyone to darkness. We resist it only through wisdom and vigilance. You are not so unskillful now as you were then. Better voices in your head, you might call it. I think that's enough for now. You have much to contemplate. Yes. Back to the beach then. You should be proud of your progress, Kratos. See you soon. It seems like you're making progress, whatever you're doing in there. Perhaps. Listen, I know I made you feel like we expected more of you than you could give. And I just want you to know, I'm not asking you to change how you are or who you are. We had to break the old world to build a new one. Picking up the pieces and putting them together stronger, it's a rare opportunity. You made a difference here. In some circles, a symbol of change. On many days,
Just knowing that you're a part of the Council is enough. And other days? You've earned a voice. How you use it is up to you. मेरे ना हाथ कांप रहे थे, इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश हुआ था, इतने ज्यादा क्लोज कॉल थी टियर की लड़ाई के साथ। भाई साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लूप नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतने क्लोज आके, इतने क्लियरली हम जीते, इतनी क्लोज में जाके। सीग्रन, इनसाइड वी एनकाउंटर्ड अ सन ऑफ थोर। इट वुडंट रियली बी हिम इन देयर, आई कैन अश्योर यू। यू हैव अ मेमोरी ऑफ अ पास्ट फाइट। And I'm sure Valhalla takes advantage. But why him? I don't think that's for me to say. Well, something for us to ponder in between melees. Maybe Mordi वो बंदा था ना जो basically जिसको Atreus ने मारा था, शायद इस वजह से उसके दिमाग में guilt है कि वो। चलो देखते हैं क्या कोई नया है हमारे पास। अभी के लिए तो ये वाला पहनेंगे, अगली बार चेंज करेंगे। Fresh rewards with a side of new opportunities. ठीक है, चलते हैं। क्या सारे चेंज हो जाते हैं या फिर कंटिन्यू रहते हैं? बस जो हम कंटिन्यू जो कंप्लीट कर चुके थे वो ही चेंज होते हैं, ऐसा कुछ सीन है ना शायद। ठीक है, वेपन अट्यूनमेंट्स इस पे ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रूविंग ग्राउंड्स, एजियन बोट इन ग्रीस। एजियन बोट मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या। ईस्टर्न एरिया में कह रहा था तो वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या चीन, क्या है चीज वो। आगे बढ़ते हैं, खुद को और ज्यादा प्रूव करते हैं। यहां देखते हैं गुनर। I see you refuse to settle for the ordinary general. Ready for more story? I will hear. So, the bully with a grudge. He comes to the inn in the dead of night, chucks a bottle of fire through the window, sets the whole place ablaze. The coward thought I was inside in bed, but luckily I was just getting home. I saw the flames shoot up and surround where my father was sleeping. Well, this wasn't going to be the day I started hesitating. I charged into the fire and dragged him out. Not unscathed exactly, either of us, but alive. And if I was too angry and fearless for my own good before, now, well, I charged right into that bastard's lair, me against his whole gang. Honestly, I had no business coming out of that alive. As it turned out, I came out of there with a job. But we'll get to that next time. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज इंटरेस्टिंग है देखा जाए तो। चांस टू बार्गेन विद वाल्हाला इटसेल्फ। इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ये अभी कर नहीं सकते। फ्लीटिंग एकोस एक्चुअली काफी काम आ रही है हमारे इस टाइम पे। लेकिन क्या मुझे ये चाहिए या फिर ये चाहिए? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। और बचे हुए के लिए मैं रोक लेता हूं अभी के लिए। 900 जब मैं और इकट्ठी कर लूंगा तो फिर मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। फिलहाल के लिए ये सही रहेगा। और अगर देखा जाए ग्लिफ ऑफरिंग्स, फिलहाल मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कुछ करने की। और यहाँ पे चलते जरा हेल्थ और रेज। 314 है हमारे पास तो इनके अंदर ज्यादा बेनिफिट नहीं है तो इन वालों को कर लेते हैं। ओ भाई 36 और उसके बाद हम दो रेजरेक्शन स्टोन के साथ जा सकते हैं। एक्चुअली रेजरेक्शन स्टोन की मुझे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है लेकिन इतनी भी नहीं।
और पेरेंट्स छोड़ो, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे। अब इसके अलावा मुझे करूं कि नहीं इसको, मैं लेजेंडरी चेस्ट इन रिफ्ट के अंदर एक्चुअली मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। सेकंड रिजरेक्शन स्टोन तो मैं खरीद भी सकता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही है। अगला फोकस हम बेसिकली इसके ऊपर करेंगे और इसके ऊपर करेंगे, माय डिवाइन ट्राइम काफी खत्म हो जाएंगे इसके बाद, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरत है, ठीक है। इन दोनों को मैक्स आउट करेंगे हम अगली बार। कितने चाहिए? 550, 450, 436 चाहिए मुझे, फिर ये भी हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मेरे ख्याल से दूसरे एक लूप में ख्याल से वेस्ट जाने वाला है मेरा, जैसा मुझे लग रहा है। उसके अलावा अब हमारे पास थोड़े बहुत और आ गए ये वाले, एक बार आप चेक करें तो गोल्स के अंदर मास्टरी में अगर मैं जाऊंगा तो फिर मुझे एग्जैक्टली कौन सी शील्ड्स वगैरह चाहिए, ऑन स्लॉट शील्ड चाहिए एक मुझे, तो उससे मैं एक देखा जाए शील्ड मास्टरी 1, शील्ड मास्टरी 2 और ऑलमोस्ट शील्ड मास्टरी 3 पे पहुंच जाऊंगा मैं, तो ऑन स्लॉट शील्ड पे रखते हैं खुद को। और लेगेसी रेज मास्टरी के लिए लेगेसी चाहिए हमें, तो लेगेसी और ऑन स्लॉट शील्ड, ठीक है, और लेगेसी, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे काम आएगा अभी रैम शिफ्ट, हम उसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं फिलहाल के लिए हमें। और ये क्या है? नहीं ये अभी जरूरत नहीं है। तो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करें क्या? जी हाँ यहीं पे एंड करते हैं। तो यार इसी के साथ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूंगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें जरूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है उसको जगह शेयर करो और आग की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा। मैंने अब देखा कि एक्चुअली यहाँ पे हम फुटस्टेप्स भी यहाँ पे रिटेन कर रहे हैं। इसी अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन के साथ खत्म करते इस वीडियो को।